कलम गवाह है कि आज के अंक में मुलाकात हरि कृष्ण दुआ से। ये है HK दुआ और ये है इनकी जिंदगी भर की कमाई, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। HK दुआ का जन्म 1 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के सरगोधा में हुआ। 10 साल की कच्ची उम्र में उन्होंने जहां आजादी का जश्न देखा, वहीं बंटवारे की आग से भी झुलसे। प्रारंभिक शिक्षा गुड़गांव से हुई। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया। पत्रकारिता की शुरुआत 60 के दशक में UNI से हुई। अपने इस सफर में उन्होंने जवाहरलाल की मृत्यु से लेकर इंदिरा गांधी के उदय और इमरजेंसी तक के सफर को देखा और अखबारों में लिखा। 1987 में वो द हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने, जहां उन्होंने 7 साल तक काम किया। 1994 से 1996 के बीच वो द इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक रहे। 2003 से 2009 के दौरान वो द ट्रिब्यून के संपादक रहे। 1997 में कुछ समय के लिए उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल एडवाइजर का पद भी संभाला। HK दुआ में एक खासियत थी कि वो एडिटर रहने के पहले रिपोर्टर भी थे, तो रिपोर्टर की जो एनर्जी है वो उनमें थी, और खास करके पॉलिटिकल जर्नलिज्म जब करनी थी तो मुझे लगता है क्योंकि वो रिपोर्टर रहे थे, वो रिपोर्टिंग नॉलेज वो अपने एडिटरशिप पर ले आए। इसे HK दुआ की विश्वसनीयता ही कहेंगे कि उन्हें भूतपूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस सलाहकार का पद संभालने का मौका मिला। 2001 में वो डेनमार्क में भारत के राजदूत बनकर भी गए। 2009 में उन्हें राज्यसभा का नामित सदस्य बनाया गया। वो 2 बार एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। पत्रकारिता जगत में उनके योगदान को देखते हुए 1998 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। HK दुआ से बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक आलोक मेहता। दुआ साहब, हम इस कड़ी में जो बातचीत कर रहे हैं उसमें आपकी कलम गवाह है इतिहास को लेकर के, कि किस तरह से नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह तक, या नरेंद्र मोदी तक भी कहें, ऐसे बड़े मुकाम आए हैं जिसने पत्रकारिता को भी मजबूत किया और प्रेस की स्वतंत्रता को मजबूत किया और समाज में जागरूकता लाने के लिए भी अहम भूमिका निभाई। आप किनको ऐसे बड़े मोड़ देखते हैं जिस समय आपने ऐसे कठिन दौर से गुजरे और बड़े फैसले किए, एक रिपोर्टर के नाते भी और संपादक के नाते? देखिए, मेरे से पहले बहुत महान जर्नलिस्ट रह चुके हैं। मैं कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इतना बड़ा हूँ अपने बारे में, लेकिन बड़े क्रूशल टाइम से हिंदुस्तान का जर्नलिज्म डेवलप हुआ है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये रही है जर्नलिज्म की, कि इट वाज कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी और अखबार की आज़ादी की जो लड़ाई है वो कॉमन थी, तो इसकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल से आई हैं। आपने जब शुरू किया तब क्या फेस था वो, जिस समय पत्रकारिता? देखिए, जब आज़ादी आई, मैं तो एक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट था। बाद में सोचा करना क्या है, थोड़ी उम्र थोड़ी बड़ी, आगे बढ़े स्कूलिंग के बाद, ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है, उन दिनों में आदमी सोचता है। सो मैंने सोचा कि सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, अखबारों में जाना चाहिए, फ्रीडम मिलेगी एक्सप्रेशन की, और उसमें आप छोटी मोटी थोड़ी बहुत खाना अपनी अर्निंग्स भी हो जाएगी और बाद में यू कैन सर्व द कंट्री बेटर। जहाँ जाओ एडिटर कहते थे कि तजर्बा क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। अब एक्सपीरियंस कहाँ से आए, कोई सफारिश नहीं थी और मौके बहुत कम थे। फ्रॉम वन न्यूज़पेपर टू अनदर, उसके पास गए, कहीं नहीं मिला। तब UNI एक अखबार बनी 61-62 में, खान मार्केट में बनी, किताबों वाली बारी एंसंस के ऊपर एक कमरे में, छोटी सी जगह थी, नई एजेंसी। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, तो मैं वहाँ चला गया।
तो एक मिस्टर डी पी वागले हुआ करते थे, जनरल इब्राहिम पुराने जनरल मैनेजर थे पीटीआई के, उनके पास गया वो, तो उन्होंने भी वही सवाल किया व्हाट्स द एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा वो तजर्बा तो है नहीं, बट मैं पढ़ता काफ़ी था और डिफरेंट सब्जेक्ट्स काफ़ी पढ़ता था, एक हफ्ता काम कर लीजिए, करने दीजिए, और अगर आपको पसंद है तो रखिए, नहीं रखिए तो कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी आपसे। उन्होंने दो तीन दिन मेरा काम देखा, चौथे दिन रात को 9 बजे या 10 बजे रात को घर से फ़ोन करते हैं, कल आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। कोई नेहरू की रिपोर्टिंग उस समय आपने किया? 64 में पहुँचे। अच्छा, 64 में, तो 27 मई को डेथ हुई थी पंडित जी की। अच्छा, तो उस वाले लेकिन उस वक्त रिपोर्टर बन चुका था मैं। वो जो फ्यूनरल प्रोसेशन गया था, इतने बड़ा किसी ने देखा ही नहीं था। माउंट बैटन को भी बसों के लेट पहुँचे, शेख अब्दुल्ला को भी देखे, वो शेख अब्दुल्ला को रिहा करके पाकिस्तान भेजा गया था, पंडित जी के दोस्त थे लेकिन फिर भी जेल में डाला, फिर उनको रिहा करके वो पाकिस्तान से आए थे। चिता के पास पहुंच के अपने झांदली देके रो पड़े, बच्चों की तरह रो रहे थे। मैं वो वीआईपी के जो एनक्लोजर था उसमें चला गया, और बातें क्या हो रही थी, कौन मरेगा, इतने मेरे के कैसे लोग हैं ये पॉलिटिशियंस सीधे पहले हुए, अभी उनकी बॉडी जली नहीं, ये सोच रहे हैं कौन बनेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मुझे कौन बनेगा ये अब तब से अभी तक चल रहा है पॉलिटिक्स में, कि इतना जब उनको एक महान नेता की डेथ से इतना अफसोस नहीं है, पॉलिटिक्स में अब क्या होगा, मुरारजी भाई होंगे, इंदिरा गांधी होंगी, लाल बहादुर शास्त्री, उसी कटहरे में सुन रहा था मैं नाम, तो थोड़ा सा मुझे शौक लगा पॉलिटिकल। फिर उसके बाद ही आप एक्सप्रेस? उस वक्त मैं 67 के इलेक्शन के बाद इंडियन एक्सप्रेस से आया। अच्छा, तो उन दिनों में मैं यूएनए में मेहनत काफ़ी की, और एक था कि स्टोरी कभी गलत नहीं होनी चाहिए, स्टाफ थोड़ा था। जिस दिन इंदिरा जी का इलेक्शन हुआ, जंतर मंतर रोड पे थे, तो 250 लोग कॉरेस्पॉन्डेंट खड़े हुए थे, तो जनवर्किंग कमेटी ने इंदिरा गांधी जी को चुना, इंदिरा को बनना है, नो पहले शास्त्री जी बने फिर इंदिरा गांधी जी, बाद में शास्त्री जी को बनना है, मुरारजी भाई को बनना है, उस पर भी प्रॉब्लम था। शास्त्री जी चुने गए, लेकिन ओथ लेने से पहले एक हार्ट अटैक हो गया था उनका, 8 दिन के बाद जाके फिर ओथ ली, सीरियस हार्ट अटैक नहीं था, बट हार्ट सर्टली थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था हार्ट का, तो पोस्टपोन की गई थी। शास्त्री जी के आने के बाद उनकी डेथ हो गई, वो 65 वार थी, उस वक्त मैं यूएनआई में था, वार कर मैंने कवर की है। हाजी पीर पास के पास 3 कॉरेस्पॉन्डेंट भेजे गए थे, पीटीआई, यूएनआई, ऑल इंडिया रेडियो, स्टैंडर्ड टीम, उसमें मैं था। पहले इन्फिल्ट्रेशन कवर की, फिर उधर से ही फिर हाजी पीर पास चले गए, और एडवांस ट्रुप्स के साथ उस बंकर में रहे जहाँ पे, फिर वो वापस कर दिया गया जब ताशकंद एग्रीमेंट हो गई, और शास्त्री जी तो वापस नहीं आ पाए, वहीं डेथ हो गई। उसके बाद फिर इंदिरा जी जब इलेक्ट हुई, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम था, सिंडिकेट जो बनी, कामराज ने मेजर रोल प्ले किया, कामराज थे, एस के पाटिल थे, निजलिंगप्पा थे, अतुल्य घोष उस वक़्त, वो मुरारजी को डिसाइड को बनना नहीं देने, ना पहले जी, तब शास्त्री जी को बनाया, और ना बाद में 64 में, ना पहले शास्त्री जी को बनाया, मुरारजी भाई को नहीं बनने दिया। शास्त्री जी की डेथ हो गई, फिर इंदिरा जी आई, फिर उन्होंने इंदिरा जी को चुना, मुरारजी भाई को नहीं बनने दिया, उन्होंने कहा मैं कॉन्टेक्ट करूँगा। 2 बार ये मसला हुआ शास्त्री जी की, इंदिरा जी के, मुरारजी भाई 67 के बाद। एक बार मैंने पूछा, अपन सबने पूछा, त्यागराज मार्ग पर रहते थे, आप कंटेस्ट करेंगे? मैं कंटेस्ट करूँगा। दूसरे दिन वर्किंग कमेटी ने मना लिया, नहीं करेंगे। मैंने कहा कल तो आपने कहा था मैं करूँगा, Yesterday you told us, सवाल मेरा था ये, I will contest and I will not withdraw. Today you are withdrawing. उनका जवाब बड़ा हाजिर जवाबी थी, Yesterday was yesterday. कल बीत गया। That is, so हमारे लिए वो कोटेबल कोट हो जाता है अखबार वाले के लिए, वो सब जगह फिर वही छपा, कोटेबल कोट हो गया। तो वो नेहरू जी की डेथ में उथल पुथल इंडियन पॉलिटिक्स में शुरू हो गई थी। 67 कैंपेन में ऑफिस ने मुझे भेज दिया
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के प्लेन में, एक UNI, एक PTI, ऑल इंडिया रेडियो, एक रॉयटर्स के थे। भुवनेश्वर पे जब वो गाँव गाँव गई उड़ीसा में तो बड़ी पॉपुलर थी। जब भुवनेश्वर लास्ट रैली जो थी भुवनेश्वर में थी, उस पर पथराव शुरू हो गए थे, नाक पे लगा, लेकिन उन्होंने बोलना छोड़ा नहीं, पानी पी लिया, फिर भी पड़ते रहे। रात को फिर डॉक्टर ने एग्जामिन किया होगा, राजभवन में पट्टी वट्टी बांधी, फिर पटना गई। तो हमारी स्टोरी थी द काइंड ऑफ द स्टोन दैट कॉस्ट ए मिलियन वोट टू द अपोजिशन। वो पट्टी बांध के भी पटना में गई, सीधी दिल्ली नहीं गई। दैट काइंड ऑफ माहौल था। 69 to 71 की पॉलिटिक्स, 69 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई राष्ट्रपति भवन में, उससे पॉलिटिक्स बड़ी शार्प हो गई और डिवाइड विद इन द कांग्रेस पार्टी शार्प हो गई। तो 69 में कांग्रेस स्प्लिट की हम लोगों ने, कांग्रेस 92 ईयर्स ऑर्गेनाइजेशन थी तब, तो स्प्लिट कवर की हुई है। वो हमें याद है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, मैं और KP श्रीवास्तव PTI के, दो लोग इंतज़ार कर रहे थे फन सफदरजंग रोड पे, अंदर एक कार जा रही है, एक आ रही है, एक आ रही है। और जंतर मंतर रोड के बाद में पता चला कि वहाँ मीटिंग दूसरा विंग कर रहा था। तो रात को 1:30 बजे के करीब श्री सुब्रमण्यम में उन्होंने ब्रेक किया। मैंने कहा ये स्टोरी तो यहाँ पे है और कहीं नहीं है, एक कार आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है। देखा गया तो आधी वर्किंग कमेटी यहाँ थी, कौन कौन आया, कौन नहीं गया, अंदर कौन बैठा, रात को पता ही नहीं चलता था रिसेप्शन से। कांग्रेस स्प्लिट इन दैट नाइट। तो रात को 2 बजे जाके कांग्रेस स्टोरी की गई, घर जाके खाना, सुबह 4 बजे खाया। हिस्टोरिक स्प्लिट 69 to 71 वॉज वेरी शार्प पॉलिटिक्स। बैंकनाइजेशन किए गए, मुरारजी मनोजारी भाई ने इस्तीफा दे दिया, प्रीवी पर्सेस का सवाल उठाया, राज्यसभा में 1/3 ऑफ द वोट से वो बिल डिफीट हो गया था, 1/3 ऑफ वोट डिफीट हो गया। एनीवे कंट्री वाज डिवाइडेड बिटवीन प्रो सिंडिकेट, ओल्ड कांग्रेस जिसको कहते थे, और न्यू कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की इंदिरा कांग्रेस बनी। शी वेंट फॉर इलेक्शन इन 1971, जो इलेक्शन था उसमें शी स्वेप्ट द पोल। रामनाथ गोयनका जी अखबार जो थी वो सिंडिकेट के साथ थी, और फ्रैंक मरवीज रोज़ एक कॉलम लिखते थे मिथ एंड रियलिटी। तो चलापति जो नेशनल हेराल्ड के एडिटर थे वो कांग्रेस प्रो कांग्रेस पेपर था और उन्हीं का बनाया हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप किया था। तो एक दोनों ने लिख दिया मिथ इज फ्रैंक मोरेस, रियलिटी इज रामनाथ गोयनका। अच्छा। मजाक में जी। और कहा कि ये तो प्रोप्राइटर की पॉलिसी है, फ्रैंक मोरेस वही लिख रहे हैं, बोथ आर जायंट्स ऑफ एडिटर्स। लेकिन फ्रैंक मोरेस ने गुस्सा नहीं मनाया, अब थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर थी इंडियन पॉलिटिक्स में, गुस्सा नहीं मनाया। फ़ोन करते हैं चलापति राव से, भाई यू हैड ए नाइस वन ऑन मी, आइए शाम को हैव ए ड्रिंक विद मी। ये ट्रेडिशन था। तो वाजपेयी एक दिन क्रिटिसाइज कर रहे थे इंदिरा गांधी की पॉलिसी को, कुछ इश्यू पे, उस पर पर्सनल नहीं, तो क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैंने कहा वाजपेयी जी आप ही ने तो कहा है ये दुर्गा है। तो वाजपेयी जी कहते हैं भाई हमें क्या पता ये दुर्गा हमारे पे प्रहार करेगी। फौरन एक सेकेंड में। HK दुआ के लेखों और रिपोर्ट्स की खासियत रहती है कि वो जमीनी हकीकत बयां करती हैं। ये खासियत उनकी दशकों की मेहनत का नतीजा है। पत्रकारिता में उतरने के बाद उनके आदर्शवादी नजरिए को कई बार धक्का लगा। राजनीति के दांवपेचों ने उन्हें कई बार हैरान भी किया। उन्होंने देश की राजनीति, कूटनीति और विदेश नीति को समझने में जी जान लगा दी। UNI में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सीमा पर जाकर 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की रिपोर्टिंग की। पाकिस्तान से लड़ाई खत्म होने के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में अंतर कलह शुरू हुई और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को जोड़ तोड़ करते देखा। 1967 में उन्होंने UNI में रहते हुए लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग की, जिसके लिए वो देश के गांव-गांव तक गए और जनता की मानसिकता को समझा। 1971 के चुनाव में उन्होंने बिहार जैसे संवेदनशील इलाके में रहकर रिपोर्टिंग की। वो आज भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति को समझना काफी मुश्किल काम है। 5 दशकों से अधिक की पत्रकारिता में उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
यही वजह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस सलाहकार को कांग्रेस की सरकार के दौरान राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उन्होंने सदन में भी नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को बड़े प्रभावी तरीके से रखा। I was encouraged and heartened by the spirited reply the law minister has given in the house, giving an idea of what kind of judicial reforms he has in mind and vast number of issues he has listed which are on the top of his agenda which he wants to tackle. आम आदमी से उनका जुड़ाव केवल रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं रहा। प्रधान संपादक होने के बावजूद उन्होंने जो इज्जत और सम्मान अपने सहयोगियों को दिया, वही सम्मान ऑफिस में चाय और पकौड़े देने वाले को भी मिला। राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद वो सरकारी आवास छोड़ने की मियाद से पहले अपना घर बदल एक किराए के मकान में चले गए। ये छोटी छोटी चीजें ही तो इंसान को बड़ा बनाती हैं। दुआ साहब, हम जिस तरह से जिस बार पड़ाव पर रहे और उसमें एक वो पीरियड आया जैसे कहना चाहिए, इंदिरा गांधी को इतनी पॉपुलरिटी तो मिली, लेकिन उसके बाद ही दो एक साल बाद ही आंदोलन, बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और एक्सप्रेस का, खास करके उस आंदोलन में भी एक तरह से रामनाथ गोयनका की बड़ी सहानुभूति थी। नहीं, तो आपको कैसे उस सबसे उसमें रिपोर्टिंग करने में सुविधा हुई या असुविधा हुई? नहीं, उससे पहले एक और भी चीज़ हो चुकी थी। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वार की, बंगला और रन अप टू द वार, बांग्लादेश क्राइसिस की पाकिस्तान, वो मास्टरली थी। उनको क्रेडिट देना चाहिए इसका कि निक्सन और किसिंजर आपके खिलाफ हैं, एक मेजर पावर पाकिस्तान का साथ दे रही हैं और आप 15 कंट्रीज का टूर किया फॉर सिंपथी ऑन द इशू कि वहाँ से लोग रिफ्यूजीज इधर आ रहे हैं और पाकिस्तान की एट्रोसिटीज़ ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जो अपोजिशन में थे, उनका इंदिरा तो दुर्गा बन गई है बाद में जब इंदिरा गांधी क्रिटिसाइज कर रही थी बीजेपी को, तो वाजपेयी एक दिन पार्लियामेंट में कॉरिडोर में वो अखबार वालों से मिलते रहते थे, कोई भी मिल जाए रुक जाते थे या रोक लेते, तो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इंदिरा गांधी की पॉलिसी को, तो कुछ इश्यू पे, उस पर पर्सनल नहीं, तो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मैंने कहा वाजपेयी जी, आप ही ने तो कहा है ये दुर्गा है। तो वाजपेयी जी कहते हैं भाई हमें क्या पता, ये दुर्गा हमारे पे प्रहार करेगी फौरन एक सेकंड में, तो ये डेथ का इन लेकिन 70 असेंबली इलेक्शन के जीतने के बाद मिसेस गांधी के कुछ थॉट्स बदले गए। उनके ख्याल था कि गवर्नमेंट शुड बी मोर प्रेसिडेंशियल फॉर्म और सेंट्रलाइज होनी चाहिए। उधर से जयप्रकाश नारायण वगैरह ने देखा कि ये तो ज़्यादा अथॉरिटेरियनिज्म हो रहा है, आने वाला आसार हैं उसके, ये ठीक नहीं, अभी से अपोज करना शुरू करो। बीच में गुजरात एजिटेशन शुरू हो गई नव निर्माण समिति की, जयप्रकाश नारायण ने फिर उधर बिहार में काम शुरू करना किया। तो रामनाथ गोयनका जयप्रकाश जी को साथ दे रहे थे, ओल्ड कांग्रेस को साथ दे रहे थे। और तो आप लोगों की रिपोर्टिंग पर उसका कोई असर पड़ता था? नहीं पड़ा, वही मैं कहना चाहता था। तो जो एजिटेशन शुरू हुई जयप्रकाश ने लेंगे, उनके पास पार्टी नहीं थी तो उन्होंने जनसंघ की सपोर्ट ली, तो वो एजिटेशन बढ़ती गई। एजिटेशन से मिसेस गांधी थोड़ा घबरा गई। एक तो पॉलिटिकल है, लेकिन असली बात ये है कि कुलदीप नायर अरेस्ट हो गए, अरेस्ट नहीं हुए। 25 शाम को मैं खबर दे के आया था कि सिद्धार्थ शंकर रे और आर के धवन जाके मिले हैं फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति भवन में, और कोई ऐसे फैसले आने वाले हैं जिनका असर मेजर इंस्टीट्यूशन पे होगा, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। एमरजेंसी का नाम नहीं पता था, सच्ची बात तो है। वो हम रिपोर्ट दे के आए, मैंने खुद रिपोर्ट दे के आया लेट नाइट, 10:30 का होगा, वो अभी तक छपी नहीं है। उस रात को एमरजेंसी लगाई गई, अखबारों की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई, प्रेस पे ताला लगाया गया, वो नहीं छपा, बहुत सारे अखबार झुक गए, एक्सप्रेस नहीं झुका, स्टेट्स में भी नहीं झुका था, और बाहर के दो अखबार नहीं झुके, ओपिनियन एक मैगजीन होता था और एक और था। तो सर फिर आप संपादक कब बने? संपादक तो जाके मैं बना जाके 86 एंड में। तो एज ए एडिटर आपको एक्सप्रेस में किस तरह के और चैलेंजेस आए, या फिर आपने फ्रीडम दे करके फिर उसके बाद तो खैर आप जल्दी आप शिफ्ट भी हो गए थे हिंदुस्तान टाइम्स में? नहीं, जब आप ऊपर जितना ऊपर जाते हैं
प्रेशर का डर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको तो एडिटर बनने के बाद कई बार मैनेजमेंट के साथ भी कन्फ्रंटेशन के मौके आए कि आप मतलब खासकर के एक्सप्रेशन को लेकर के आपको अपनी संपाद की स्वतंत्रता जिसको कहना चाहिए आपको उसके लिए कॉशियस होना पड़ता है। आज़ादी दी नहीं जाती है, फ्रीडम हैज़ टू बी एक्सरसाइज। कहते उसमें तो नौकरी चली जाती है, तो मैंने कहा ये खतरा तो है। सो दिस प्रोफेशन इज़ नॉट मेंट फॉर चिकन हार्टेड। हिंदुस्तान टाइम्स जब गए आप तो आपको तो मालूम नहीं था कि गोयनका, अगर आप गोयनका जी की बात मानेंगे तो वही आपसे ज़्यादा मैंने सोचा अंदाज़ा लगाया कि अगर इफ यू गिव वन यार्ड यू हैव टू गिव वन माइल। उस मैंने आप जहाँ असर्ट करने की ज़रूरत थी आपने की, जहाँ जरूरी जब प्रिंसिपल का सवाल आ गया उस पर करो। लेकिन सेंट किट्स की स्टोरी अपने आप वहाँ छप गई, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई आपको जानकारी के बिना एक नको स्टोरी छपी है, दूसरी नहीं छपी। जिसका बेस बनना था वो बनाया, उस पर प्रोटेस्ट था और मैंने इस्तीफ़ा दिया। जब मेरा इस्तीफ़ा गया उसके बाद वैल्यू गया उनके पास। अगर एडिटर को नहीं है स्टोरी पे, स्टोरी जितने भी छापे, सीरियल जो छापना था, जो सीरियल छपना था उस पर एडिटर को यकीन नहीं है तो बाकी लोग कैसे मानेंगे। तो दैट मिसचीफ वाज स्कॉच्ड बाय माय रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। बिरला जी बेंगलोर से आए, फिर कहा नहीं आप इसको वापस ले लीजिए। मैंने कहा रेजिग्नेशन तो मैंने दे दिया है तो अब वापस क्या ले सकता हूँ मैं। मैंने थ्रेट टू रिज़ाइन नहीं किया था, रिज़ाइन कर दिया। कहते इसको वापस ले लीजिए, हम बड़े यकीन कराते हैं, हमने नहीं भेजा उनको। मैंने कहा मैं कर दूँगा यकीन, लेकिन बाहर वाले कर रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं तो हमें रेजिस्ट करना चाहिए, जो नहीं हुआ दैट इज़ द पॉइंट। कहते वो तो मैंने कहा वंस द लेटर रीच लीव्स देयर सेंडर इट्स योर प्रॉपर्टी। खैर वो बैटल जीत गए थे हम। कहते हो इस लाइन पे कुछ नहीं छपेगा, इस इशू पे एक लफ्ज भी नहीं छपेगा। तब मैंने वापस लिया। यही फार्मूला जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वहाँ नहीं चला, वहाँ चला नहीं था क्योंकि वहाँ तो प्रेस परिषद में भी मामला गया। पेपर के लिए आदमी जान देता है, प्रोप्राइटरियल प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए नहीं। दिस इज द मेन क्वेश्चन, इफ दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन एडिटर तो उसमें मैं फिट नहीं कर रहा था। वो गलती मेरी भी है, आई शुड नॉट हैव जॉइंड, और उनकी भी गलती है, मुझे उनकी मिस्टेक है, मेरे लिए ब्लंडर थी। दुआ साहब एक आखिरी सवाल ये जानना चाहता था कि किस तरह से एक तरफ आपने लड़ाई भी लड़ी लेकिन दूसरी तरफ आपके संबंध वाजपेयी से बहुत अच्छे रहे। देवगौड़ा के समय भी आप एडवाइज़र बने, वाजपेयी के भी संबंध रहे, मनमोहन सिंह ने आपको राज्यसभा में नॉमिनेट किया। सो ये संबंध कैसे बने, एडिटर के संबंध अच्छे रहते हुए? बनाए नहीं, जब देवगौड़ा जी को मैं कभी जानता ही नहीं था, वो कर्नाटक में थे, मैं दिल्ली में था। मुझे बाद में पता चला कि शारदा प्रसाद ने शायद मेरा नाम बताया उनको, वो कर्नाटक से थे, दिल्ली आए। शारदा प्रसाद रिटायर हो चुके थे बहुत साल पहले। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से तो आपके रिश्ते, वाजपेयी जी तो हर अखबार वाले को जानते हैं, किसको नहीं जानते थे। तो रात को 11:30 बजे फ़ोन किया है, कल 12 बजे मिलना है। मैंने कहा हो सकता है विचार विमर्श करना, पर एडिटर कॉलमनिस्ट फॉर्मर एडिटर्स को बुला लिया चाय पे चर्चा करने के लिए। वहाँ तो मैं और वो एक उसी कमरे में करके, हमारा पिछली सरकार में मैसेज नहीं पहुँच रहा था, आप प्रेस एडवाइज़र बनिएगा। मैंने कहा आपके पास तो हैं लोग, काम कर रहे हैं। कहते नहीं वो भी रही, लेकिन आपका आना ज़रूरी है। मैंने कहा मैंने आपके युद्ध मोमेंट को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, बाबरी मस्जिद को गिराने का मैंने विरोध किया हुआ है। कहते आपने मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया उस एडिटोरियल में। मैंने कहा नेशनल शेम का हाथ, मैंने कहा होना नहीं चाहिए देश में ऐसा, ये एक मैं क्रेडिबिलिटी की बात है असली। तो मैंने कहा ना, मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा वाजपेयी जी मेरी क्रेडिबिलिटी रहेगी आपके साथ काम करने? अरे भाई आप हमारी रहेगी तो आपकी भी रहेगी। चलिए दुआ साहब इसी बात के साथ हम लोग इस बात को विराम देते हैं कि जहाँ अपनी क्रेडिबिलिटी हो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा संपादक खुद कर सकते हैं। यदि वो केवल प्रबंधन से नहीं लड़ना है, उन्हें समाज में भी जहाँ अपनी आवाज़ उठाना है और आज़ादी को अक्षुण्ण रखना है, तभी रहती है कलम गवाह। दुआ साहब आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद। स्कूल के समय से ही एचके दुआ की असली दोस्त उनकी किताबें हुआ करती थीं और ये दोस्ती अब भी बरकरार है। जवानी के दिनों में भी गुड़गांव के सुनसान रास्तों पर अकेले सैर पर निकल जाना उनका शौक था। जब बात प्यार मोहब्बत की आई तो शुरुआत काफी सूखी थी। उनके शब्दों में कहें तो सौंदर्य बोध तो था
पर उस पर मर मिटने का वक्त नहीं था। ये बौद्धिक सुंदरता ही थी जिसने दुआ साहब को उनकी स्वर्गीय पत्नी वीना की ओर आकर्षित किया था। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी से एमए कर रही थीं। 14 जनवरी 1969 को ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। 23 साल के इस साथ पर कैंसर की काली छाया पड़ी। लंबी लड़ाई के बाद वीना जी ने मार्च 1992 में इस दुनिया से विदा ले ली। वीना जी की मृत्यु के बाद दुआ साहब अपने बेटे प्रशांत के लिए एक स्तंभ बन गए। उसकी पढ़ाई, नौकरी और शादी से मुक्त होने के बाद उन्होंने 10 अक्टूबर 2002 में अदिति से शादी की। अदिति एक निजी कंपनी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी और साथ ही साथ कला और संस्कृति से भी जुड़ी थी। जीवन के आरोह अवरोहों के बीच गाहे बिगाहे संगीत उनके साथ रहा। खाली समय अगर मिलता तो वो बेगम अख्तर की ठुमरी, जगजीत सिंह की गजलों और लता मंगेशकर के पुराने गीतों को सुनना पसंद करते हैं। फिल्मों में वो दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह को बेहतरीन कलाकारों में गिनते हैं। नई पीढ़ी में उनके पसंदीदा हैं इरफान खान। उनकी फिल्म पान सिंह तोमर उन्हें काफी पसंद आई। पसंदीदा हीरोइनों की बात चली तो स्मिता पाटिल और शबाना आजमी में टाई था, लेकिन वहीदा रहमान जी की सुंदरता, सादगी नृत्य और उनके अभिनय का कोई जवाब नहीं है। दुआ साहब आज भी फिल्म खामोशी में वहीदा जी के अभिनय की प्रशंसा किए नहीं थकते हैं। उनके पसंदीदा डायरेक्टर बिमल रॉय, गोविंद निहलानी और सत्यजीत रे रहे। उन्हें हमेशा ये मलाल रहा कि वो रे की फिल्में बिना सबटाइटल्स के समझ नहीं सके। अब वो मजाक में कहते हैं कि बंगला नहीं समझ पाए तो बंगाली से शादी कर ली। अदिति बंगाली हैं और एक फिल्म बफ भी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार और इंसानियत को जुबान की दरकार नहीं। एचके दुआ से मिलकर हमें ऐसा ही लगा। फिर मिलेंगे कलम गवाह के अगले अंक में।